तो विज्ञान भैरव तंत्र की विधि जो थी, भीतर जाती बाहर जाती सांस, नीचे और ऊपर की जो सांस है वो जब मुड़ती है यानी कि सांस बदलती है तो एक गैप आता है, एक मोड़ आता है, उस पर फोकस करना है, सांस पर फोकस नहीं करना है। सांस आई और गई उसको देखना है, उसको अपनी तरह रहने देना है, लेकिन जब सांस मुड़ रही होगी तो एक गैप आएगा, उसको महसूस करना है। तो एक तो मेडिटेशन के फॉर्म में आप इसको बैठकर अभ्यास करें, 10 मिनट आधा घंटा, जब भी अभी आप 10 मिनट ज़रूर बैठेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, आधा घंटा भी कुछ लोग बैठेंगे, तो वहाँ पर आप सांस का उपयोग करें। बाकी फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी जीवन में मोड़ हैं यानी कि चेंज हैं, कहीं भी वो गियर बदलता है, वहाँ पर आप और जागरूक हों, उस गैप में प्रवेश करें। एक विचार आया गया, फिर दूसरा विचार आया, बीच में एक गैप होता है। सुबह एक गैप होता है जब आप जग रहे होते हैं, तो बिस्तर से कभी भी उठने की जल्दबाजी ना करें, आँख खुल जाए तो नींद की तरंगों को जाता हुआ अनुभव करें और जागरण की तरंगों को आता हुआ अनुभव करें, वो गैप उसके बीच में आ जाए। इसी तरह से जब नींद आ रही है तब भी वो वक्त होता है, वो कठिन होता है, कई लोग उसमें बहुत उलझ जाते हैं तो नींद भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, इसलिए मैं बहुत इसका ऐसा सुझाव नहीं दूंगा कि आप स्ट्रगल में पड़ जाएं कि वो गैप पकड़ने के, कि वो जब नींद आई और जब नींद पकड़ गई, सहजता सिर आ गया तो आ गया, आप बस रहें कि आपको गैप में आना है। शाम दिन जा रहा है, अंधेरा आ रहा है, तो वो शाम का गैप, दोपहर में भी वो गैप आता है, ये गैप कई जगह आते हैं वक्त में, आप अपने हिसाब से उनको पकड़ें और उस गैप में आप प्रवेश करें। आपको जब भूख लगी और आपने भोजन किया, अक्सर आपने देखा होगा जो कई कल्चर होते हैं, भोजन करने के पहले प्रार्थना का विधान होता है, अपने भारत में भी भोजन के पहले थोड़ा प्रार्थनाओं का विधान था और तमाम संस्कृतियों में ऐसा रहता है, तो वो उसी गैप को पकड़ना है। भूख लगी थी, भोजन आपके सामने आ गया है, अब बस छोटा सा एक गैप है, माइन्यूट सा, कि जब आप एक कौर पहला मुंह में रखेंगे और भूख आपकी डिजॉल्व होने लगेगी तो वो गैप है, तो उस गैप में आप प्रार्थनापूर्ण हो जाते हैं, आप मेडिटेटिव हो जाते हैं। तो जब भोजन आपके सामने, थोड़ी देर रुक जाएं, ठहर जाएं। सुबह उठकर अगर आप चाय पीते हैं या शाम को चाय पीते हैं, थोड़ी देर ठहर जाएं, बस थोड़ा गैप, चाय का पहला सिप उसके पहले थोड़ा गैप। आपको प्यास लगी है, आपने एक गिलास में पानी लिया है, अभी आप पानी पियेंगे और आपकी प्यास तृप्त हो जाएगी, उस प्यास और उस प्यास की परितृप्ति के बीच में एक गैप है, एक मोड़ है। तो जब पानी आपके सामने हो, थोड़ी देर रुकें, मेडिटेटिव हों, थोड़ा प्रार्थनापूर्ण हों, फिर पानी पिएं। इस तरह से आप थोड़ा क्रिएटिवली, सृजनात्मक होकर इन सारे गैप्स को ढूंढें। ये जो मोड़ हैं, ये गियर बदलने की जो स्थितियां हैं जीवन में बहुत सारी हैं, इनको आप धीरे धीरे ढूंढें, आपको बहुत सारे मिलेंगे। प्रेम के क्षण, काम वासना के क्षण, क्रोध के क्षण, तमाम क्षणों में आपको ये बदलती हुई जो तरंग है वो मिलेगी, उसको आप पकड़ें, उस मोड़ में आप आएं और अचानक आप बदलाव अनुभव करेंगे। ये बहुत ही व्यापक ध्यान प्रयोग है, इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र का पहला है, पहला समझ लिया तो अंतिम है, जिसको कृष्णमूर्ति जी कहते थे, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। तो विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र ही अगर समझ लिया, उसको प्रयोग में ले लिया, तो अंतिम, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, नथिंग इज नीडेड।